तो दोस्तों अब फ्रैंकलिन हमने सेट की हुई डेस्टिनेशन तक कार को ड्राइव करेगा। हेलो दोस्तों, टेक्निकल आमिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कौन सा बिपेड हमने सेट की हुई डेस्टिनेशन तक कार को कैसे ड्राइव करेगा, इसको सीखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको मेनू ट्रेनर की ज़रूरत होगी, उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको कार्ड पर दिख रहा होगा। मेनू ट्रेनर को इंस्टॉल कर लीजिए। मेनू ट्रेनर को इंस्टॉल करने के बाद मेनू ट्रेनर को ओपन कीजिए या F8 पर प्रेस कीजिए। मेनू ट्रेनर को ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ जो स्पूनर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद स्पूनर मोड दिख रहा है ना, उसको ऑन कीजिए। स्पूनर मोड को ऑन करने के बाद यहाँ कौन से भी व्हीकल्स को स्पॉन कर लीजिए। कार्स को स्पॉन करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद पेड में जाइए। पेड में जाने के बाद यहाँ आप कौन से भी एक पेड को चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ फ्रैंकलिन को स्पॉन कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम देख सकते हो मैंने कार्स को स्पॉन कर लिया है और टास्क देने के लिए फ्रैंकलिन को भी चूज़ कर लिया है। उसके बाद अपने मैप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ सेलेक्ट कीजिए फ्रैंकलिन को कार कहाँ से कहाँ तक ड्राइव करना चाहिए। मैं यहाँ से यहाँ तक सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने वेव पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद इस प्लस आइकन को स्पॉन किया हुआ पेट पर ले जाइए। ले जाने के बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद टास्क सीक्वेंस दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद ऐड न्यू में जाइए। ऐड न्यू में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा एंटर व्हीकल, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे आ जाइए। फिर ऐड न्यू में जाइए। ऐड न्यू में जाने के बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा ड्राइव टू पोजीशन इफ इन व्हीकल, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से एंटर व्हीकल में जाइए। एंटर व्हीकल में जाने के बाद यहाँ उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ सीट दिख रहा होगा, इसकी सीट को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ ड्राइवर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ कार को सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ सियान को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ड्राइव टू पोजीशन इफ इन व्हीकल दिख रहा है ना, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा ड्यूरेशन, इस टास्क को परफॉर्म कितने सेकंड्स में परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ इसकी स्पीड को भी आप सेट कर सकते हो। मैं यहाँ 100 दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ इसकी ड्राइविंग स्टाइल को भी आप सेट कर सकते हो। मैं यहाँ नॉर्मल रख देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा सेट डेस्टिनेशन टू वे पॉइंट, इसको सेलेक्ट कीजिए। इसे हमारा पेड हमने सेट की हुई डेस्टिनेशन तक इसको सेलेक्ट कीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ स्टेटस दिख रहा है ना, इसको ऑन कीजिए। तो दोस्तों हम देख सकते हो हमारा फ्रैंकलिन जा रहा है। ये फ्रैंकलिन यहाँ तक जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों हम देख सकते हो हमारा फ्रैंकलिन हमने सेट की हुई डेस्टिनेशन तक आ चुका है। इसी तरह से आप कौन से भी पेट को हमने सेट की हुई डेस्टिनेशन तक कार को ड्राइव करा सकते हो। तो दोस्तों अगर आप फ्रैंकलिन को उस कार में से उतारना चाहते हो तो मेनू ट्रेनर को ओपन कीजिए। मेनू ट्रेनर को ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद ऑब्जेक्ट स्पॉनर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फिर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा क्विक मैनुअल प्लेसमेंट, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद साइड में आ जाइए। साइड में आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा फ्रैंकलिन, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।